एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल गुरु प्रसाद जप आदि सच युगाद सच है भी सच नानक हो से भी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साधनों से वह निर्माण नहीं होता, इसीलिए कह दिया वो थाप्या न जाए कीटा न होए आपे आप निरंजन सोए। जो किसी का बनाया होता है वो सत्य नहीं हो सकता, जिसको भी हम बनाते हैं वो असत्य होता है। मकान बनाते हैं, बनाना नहीं, ये नहीं हम कहते कि नहीं बनाओ, बनाओ काम आएगा और वो खत्म हो जाएगा। जो जो उपजता है यद यद जन्यम तद तद अनित्यम, जो उपजता है वह विनष्टता है, चाहे आज चाहे कल चाहे परसों। दिन लग सकते हैं, देर हो सकती है, पर अंधेर हाँ, यदि बनाई चीज सदा बनी रहे तो समझो अंधेर हो गई। किसी की भी बनाई, चाहे मनुष्य की चाहे ईश्वर की, ईश्वर की बनाई चीज भी सदा नहीं रहती है। ईश्वर का तो बनाया है, कौन सा रह रहा। इसलिए एक ही चीज है जो किसी की बनाई नहीं है, ना मेरी ना आपकी। यूं भी कह सकते हैं कि भगवान किसी का बनाया नहीं है, और या ये भी कह सकते हैं भगवान को कोई बना नहीं सकता, और जो बनाया जाए वो भगवान नहीं हो सकता। इसलिए साधनों से जो पैदा होता है वो अनित्य है। अभी समाधि का जिक्र किया कि समाधि भी लगाई गई, प्रयत्न किया गया, समाधि नहीं रहती। शंकर भगवान की समाधि बहुत लंबी लगी थी, इतनी लंबी शायद हमने किसी की नहीं सुनी, 16 सम्मत सहस 87, इतने वर्षों तक समाधि लगाई, पर तजी समाधि सम अविनाशी, अविनाशी ने समाधि भी छोड़ दी, समाधि भी गई। सरल करने के लिए आज वैसे बोलने को कुछ बचाया नहीं है हमारे स्वामी जी ने, हम तो स्वामी जी कहते हैं, बाबा कहते हैं, कहीं संत कहीं बाबा कहीं स्वामी, जिसकी जो आदत होती है वही बोलता है। कभी कभी हम मंदिर में चले जाएं कथा करें तो बच्चे आ जाते हैं पंडित जी प्रसाद, क्योंकि वो पंडितों के बीच रहते हैं तो कह देते पंडित जी प्रसाद दो। और कई जगह तो बच्चे आते हैं स्कूलों के घरों के, वो कहते हैं अंकल जी, अब हमको अंकल जी कह देते, क्योंकि वही आता है। अब विदेशों में तो और कोई रिश्ता ही नहीं है, दो ही रिश्ते हैं, अंकल और आंटी। माता और पिता के अलावा सब आंटी हैं, सब अंकल हैं। हम लोगों के यहाँ मौसी है, नानी है, चाची है, ताई है, नाना है, नानी है, कितने हैं रिश्ते, बहन भाई। वहाँ तो बस एक अंटल अंकल और आंटी से काम करते हैं, ऐसे ही हम भी वही बोल देते हैं। तो हमारे जो बोलें उसका अर्थ समझ लें अपनी भाषा में। पंजाब में कई बार यहाँ काका बोलते हैं ना, यूपी में काका अपने पिता के छोटे भाई को काका बोलते हैं, यहाँ छोटे बच्चे को काका बोलते, ऐसा भी है। कभी कभी शब्द से नई समस्याएं बनती हैं, हमने किसी भाव से कहा, किसी ने कुछ समझ लिया। भाषा के कारण भी परमात्मा के बहुत नाम हैं, तो भाषा के भेद से परमात्मा का भेद नहीं होता। भाषा में कुछ भी कह दो, उर्दू में आप पीते हैं और हिंदी में हम पानी पीते हैं, जल पीते हैं, अंग्रेजी वाले वाटर पीते हैं,
एक ही चीज पीते हैं कि तीन चीजें पीते हैं? एक ही चीज पीते हैं। तो कोई राम नाम से उसका सुमिरन करता है, कोई विष्णु नाम से करता है, और सुमिरने के बाद, पहुंचने के बाद यह तक कह दिया जाता है कि मैं कृष्ण विष्ण किसी का नहीं भजन करता, कबहू नहीं ध्याऊं, मैं कृष्ण का और विष्णु का किसी का ध्यान नहीं करता, क्योंकि जो हुए हैं वो सब नाशी हैं, जो कभी नहीं हुआ वही अविनाशी है। तो हम तुम भी यदि हुए वाले हैं तो हम भी ऐसे ही हैं। इसलिए जो जो पैदा हुआ है उसको समझ लें। अभी अभी एक और बात थी व्याप्य और व्यापक की, बहुत कथाएं बड़ी बहुत अच्छी हैं, और यहाँ तो मुझे आने का सौभाग्य क्यों मिला है, इसमें परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्मलीन सचखंडवासी बाबा स्वामी जी बाबा दलेल सिंह जी महाराज, उनका प्यार था, मैं बहुत बार उनके दर्शन किया, प्रेम में उनके आंसू देखे। कोई बेटा के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है, संत संत से मिलकर के आंसू आते हैं, कोई लेना देना नहीं है, प्रेम प्रेम के आंसू। और उन्हीं के उस प्रेम को जिन संतों ने, उनके भक्तों ने देखा है, गुरुमुखों ने देखा है, उनके कारण संत प्रेम करते हैं। हमारे स्वामी बाबा सुखदेव सिंह जी और हमारे बाबा धर्मेंद्र सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, ये सब प्रेम करते हैं। हम लोग तो भैया जिस देश के वासी हैं ना, वहाँ वोट भी डालते हैं, तो जिसको पिताजी कहते हैं, घर वाले कहते हैं, उसी को अपन डाल देते हैं। अपने बुजुर्गों के कहने पर चलते रहे हैं, और गुरुमुख क्या आज भी जो गुरुओं के वाणी के अनुसार चलते हैं, सब गुरुमुख हैं। हम लोगों के यहाँ ये नहीं है कि हम पिताजी की नहीं मानते। राम दशरथ की वचनबद्धता से जंगल चले गए। राम से यदि कुछ सीखने लायक है ये कि पिता ने कहा तो जंगल चले गए। एक और कथा आती है शांतनु की, भीष्म पितामह के पिता, किसी लड़की को देखा, विवाहित थे, भीष्म उनके पुत्र थे, सयाने हो गए थे, पर काम कब आ जावे, कब प्रेम आ जावे, कब आकर्षण बन जाए। भीष्म के पिता ने एक लड़की को देखा तो ब्याह का मन हो गया, तो लड़की के पिता ने कहा कि मैं अपनी लड़की का ब्याह आपके साथ नहीं करूंगा, क्योंकि आपका जो बड़ा लड़का है वो गद्दी का मालिक होगा, मेरी बच्ची से जो लड़का होगा वो मालिक नहीं बनेगा, इसलिए मैं नहीं शादी करूंगा। तो भीष्म ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मेरी पिता की शादी हो जाए, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। इतने पर लड़की के माता पिता ने कहा कि तुम तो नहीं बैठोगे, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो तुम बड़े लड़के के बच्चे होने के नाते तुम्हारे बच्चे गद्दी के मालिक बन जाएंगे। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शादी भी नहीं करूंगा, पर पिता की इच्छा पूरी होना चाहिए। देखो आज का लड़का होता कह रही है बूढ़ा होकर शादी करता है, मैं क्यों शादी ना करूं। वो पिता की शादी हो जाए, मैं ब्रह्मचारी रह जाऊंगा, गद्दी में नहीं बैठूंगा, पिता की इच्छा पूरी हो कोई राज्य कर ले। यहां राज्य के लिए देश बट जाते हैं, वहां राज्य त्याग कर देता है। शिक्षा लेना चाहिए इतिहास से, सीखें हम इतिहास से। बधाई के पात्र हैं जो गुरुओं की सीख पर चलते हैं, जो गुरुओं ने बताया उसे समझने की कोशिश कर। अभी सुन रहे थे शब्द की परख, कबीर साहब ने इस पर बड़ा जोर दिया है,
शब्द पारखी बनो, शब्द को परखो, इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसलिए दो तरह के शब्द होते हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वनि में मन लगाया जा सकता है, चीड़े मकोड़े ध्वनि सुनते हैं, सांप ध्वनि सुनता है। ध्वनि में मन लगाना ये एक चीज है, शब्द के अर्थ में मन लगाना ये दूसरी चीज है। ध्वनि में मन एकाग्र हो जाएगा, चित्त की चंचलता कम हो जाएगी, चित्त लीन हो जाएगा, समाधि हो सकती है। पर ब्रह्म ज्ञान ध्वनि से नहीं होगा, वो महावाक्य से, गुरु के वाक्य से ही हो सकता है। इसीलिए साधनों का भी खंडन किया, यह गुण साधन ते नहीं हुई। और गुरु महाराज ने जो सौ चंदा होगा, सूरज चढ़े हजार, इतने चमत्कार हो जाएं। दुनिया के उजेले होते हैं, इन उजेलों में ये चीजें दिखती हैं। यदि धीमी धीमी रोशनी हो तो अक्षर नहीं पढ़े जाएंगे, तेज रोशनी हो तो अक्षर पढ़े जाएंगे, चीज देखी जाएगी। कभी कभी मंद प्रकाश में रात को दिखाई नहीं देता, थोड़ा प्रकाश तेज हो जाए तो दिखाई देने लगता है। पर इस प्रकाश में जगत दिखता है, परमात्मा नहीं दिखता, नहीं दिख जाता। परमात्मा के अनुभव के लिए वाणी का ही प्रकाश चाहिए। हाँ, ये प्रकाश नहीं। इसलिए जो जे सौ चंदा हो, सूरज चढ़े हजार, एते चांदन हो दिया, इतना उजेला हो जाए हजारों सूर्य का, तो भी बिन गुरु घोर अंधार। बिना गुरु के वाक्यों के अंतःकरण के अंदर अज्ञान नष्ट नहीं होगा, समाधि से भी ब्रह्मता की प्राप्ति नहीं होगी, निर्विकल्पता की प्राप्ति हो जाएगी, विक्षेप की निवृत्ति हो जाएगी, समाधि लंबी हो जाएगी पर अनंत नहीं होगी। इसलिए साधन से पैदा हुई चीज नित्य नहीं हो सकती। कर्मजन्य साधना जन्य वस्तु अनित्य होगी, समाधि अनित्य होगी, देह अनित्य है। ये भी तो कर्मों से मिला है, ये भी अनित्य है। कर्मों से बिल्डिंग बनती है, घड़े बनते हैं, मिट्टी के भांडे बनते हैं ना, काम आते हैं व्यवहार में, उन्हें सत्य भी कहोगे, हाँ ये घड़ा है, ये सुराही है, ये शकोरा है। पहले चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए लोग बर्तन के छोटे छोटे रखते थे, वो शकोरा नाम है, उनके नाम है, उनका रूप है। और घड़े को शकोरा नहीं कह सकते, शकोरे को घड़ा नहीं सकते, घड़े को मकान नहीं कह सकते, मकान को घड़ा नहीं कह सकते। एक चीज इनमें है जो सब में है, वो है मिट्टी जिसके बने हैं। घड़ा मिट्टी में, देखो घड़ा सकोरे में नहीं है, सकोरा घड़े में नहीं, सेपरेट अलग अलग है, मकान अलग है। मकान के भीतर भी घड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी घड़ा घड़ा है, मकान मकान है। इनके नाम बिल्कुल अलग है, नाम अलग है, उनके गुण स्वभाव अलग है। पर एक और बता दें, परमात्मा के नाम अनेक हैं पर नामी एक है, वो एक है। कितने नाम लो पर उसके होने चाहिए जिससे वो समझा जाए। तो मिट्टी नाम जो है, जैसे ये घड़ा है, ये सकोरा नहीं, ये सकोरा है, ये घड़ा नहीं, ये मकान है, ये सब पहचाना, पुरुष है, ये स्त्री नहीं है, ये मनुष्य है, जानवर नहीं है, ये जानवर है, मनुष्य नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। तो घड़ा अलग है, सकोरा अलग है, ईंटा अलग है, कि एक ही, उनमें एक ही है जरूर, वो एक ही है, वही नाम लेना है जो एक ही है और जो सब में है। ये तो मिट्टी समझाने के लिए घड़ा है, इनमें भी एक है कोई, उसका नाम ले लो तो निहाल हो जाओ, उसका नाम ले लो तो सागर सूख जाए, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, नाम लेते सागर पार, बोलते उसका नाम लेते बोलते ही निहाल। उस सत को बोल दो सत श्री अकाल, बोले हाँ सत श्री अकाल, बोले सो निहाल। सत्य बोल दे, सत जो सत्य है उसको बोले। ये झूठों को बोलते हैं, ये एक रहने वाले नहीं, रहने वाले का नाम लो। अभी तो जितने नाम लेते हो न रहने वालों के लेते हो। कई बार लोग न रहने वाले को भी राम ही समझते,
न रहने वाले को ही भगवान कहते हैं। अब आजकल तो भगवानों की बाढ़ आई हुई है। ये दोनों बातें समझनी है। न रहने वाला भगवान नहीं हो सकता। हाँ, न रहने वाले में रहने वाला भगवान है। कोई भी न रहने वाले में भगवान रहता है। क्यों? न रहने वाला बिना भगवान के रह ही नहीं सकता। बिना रहने वाली मिट्टी के न रहने वाला घड़ा कभी दर्शन भी नहीं दे सकता। इसलिए जो दिखाई दे रहा है, जिनको घड़ा दिखाई दे रहा है, वो तो कहेंगे नाशवान है। पर जिनको घड़े में मिट्टी नजर आती है, वो कहेंगे नाशवान नहीं है, वो तो अविनाशी है। इसलिए ये जग पहले कहा गया नष्ट होने वाला है, जो दिशे सो सकल। पर बाद में क्या कह दिया? हाँ, बाद में ये कह दिया, ये जग ये सब जो नजर आता है, ये जग हर का रूप है। हर रूप नजर ही आया, ये हर रूप भी देखा जा सकता है। वही आंख बनानी है। संत आंख देते हैं, संत भगवान नहीं देते। भगवान कोई दे नहीं सकता, ना होता तो दे देते। जो है ही उसे कौन देगा? सिर्फ आंख दे दें, भगवान आप ही मिल जाएगा। मेरे गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे कि एक के नेत्र ठीक नहीं थे। कोई लोग कहते थे तुम बड़े गोरे सुंदर हो, वो खुश हो जाता। दूसरा कहता तुम भुलेखे में डाल दिए गए हो, तुम तो काले हो, बदसकल हो, तुम सुंदर नहीं हो। तो बेचारा फिर दुखी होता, तीसरे से पूछता, चौथे से पूछता। अच्छा, ये पूछना कब बंद करेगा? अरे भाई, एक ने पूछा ऐसा है, दूसरे ने कहा ऐसा है। जिसके नेत्र नहीं है उसके रूप का वर्णन करते हैं, वो चार छह। फिर कहा मैंने 50 लोगों से पूछा, आप बता दो स्वामी जी मैं कैसा हूं। उन्होंने कहा 50 पे भरोसा नहीं, वो मेरे पे कैसे हो जाएगा? 50 पे भरोसा नहीं हुआ, एक पे नहीं हुआ, दो से पूछा, दूसरे के कारण, तीसरे का, और भुलेखा बढ़ता गया। तो स्वामी जी ने कहा हम तुमको ये नहीं बताएंगे तुम कैसे हो, हम तुमको तुम्हारी आंखें डॉक्टर से ठीक करवाएंगे, तुम्हारी आंखें बनाएंगे। आंखें बन जाएंगी, तुम खुद देख लेना मैं कैसा हूं। तो संत भगवान, ये भगवान, ये भगवान, वो भगवान नहीं बताते। भगवान को समझने की समझ दे देते हैं, आप ही भगवान तुमको मिल जाए। इसलिए भगवान को समझने की जो समझ है, अब इन आंखों से हमको लगता है ये घड़ा है। किसी बच्चे से पूछ लो, कभी कभी मैं जाता हूं तो समझाने के लिए ऐसी सरल बातें कर देता हूं जिससे सब लोग समझ जाए। क्योंकि हम गांव के पैदा हुए ना, हमको अकल थी नहीं, पढ़े वढ़े थे नहीं। ये तुम हंसते होगे कि मैं विनम्रता से कहता हूँ, क्योंकि नीवा बोलना आज की सभ्यता अच्छी मानी जाती है। सिख समाज बड़ा नीवा बोलता है, विनम्र बोलता है। अरदास में तो कहते हैं मैं क्या हूँ, नमक हराम। ऐसे ऐसे शब्द, इतनी विनम्रता गुरुओं ने दी है, हमें सिखाई है, सिख समाज में है। तो मैं विनम्रता से नहीं बोला, सचमुच पढ़ा नहीं हूँ, गांव में जन्मा हूँ, कोई अकल सचमुच नहीं। तो इसीलिए क्योंकि मैं गुजरा हूँ कमकली से, गुरुओं के सुन सुन के समझ आई, तो मैं भी सरल करने की कोशिश करता हूँ, बातों को जटिल बनाने की कोशिश नहीं करता। कई लोग इतना उन्होंने पूछा जल क्या होता है, कहते तोय, लो और झंझट हो गए। वो जल ही नहीं समझ पाया, तुमने वारी और तोय कह दिया। वो बारी का जल का पानी, तो जल्दी बच्चा समझ जाए। जब हम पढ़ते थे कोई शब्द आया, अर्थ करने वाला इतना कठिन शब्द बता दे कि और झंझट पड़ जाए। तो और एक कहावत भी प्रसिद्ध है संतों की, कि एक अंधा आदमी आया, भोजन में बैठा था, तो उसने कहा कि सूरदास खीर लोगे? कहते क्या होती है खीर? कहने लगे सफेद सफेद होती है।
सफेद सफेद होती है उसी में चावल पड़ता है, खीर होती है चीनी पड़ती है। कहें सफेद कैसा होता है, सूरदास तो से कहें सफेद कैसा होता है, कहें सफेद बगले जैसा होता है, बगला होता है ना, उन्होंने कहा बगला कैसा होता है, वो तो पूछते ही गया तो उन्होंने यूं हाथ कर दिया, बगला ऐसा होता है। तो सूरदास को टटोल करके सूरदास ने बता, सूरदास अरे बगला ऐसा होता है, कहता मैं नहीं खाऊंगा तो गले में अटक जाएगी। अब खीर खाने की बात थी जो सहज लपालप खा जावे इतनी अच्छी है, लेकिन खीर समझाते समझाते खीर की टेढ़ी खीर हो गई, अब टेढ़ी हो गई, अब गले पे नहीं जा सकती। ये ब्रह्म ज्ञान भी सुनाते सुनाते और उलझ गया। श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक उलझाई। छूट न तो और उलझ और गया, कथाओं में उलझ गए हम लोग। इसलिए मैं चूंकि जैसे आया सरल रास्ते से, इसीलिए अपन कठिन बात नहीं कहते, चूंकि हमको समझ नहीं आती थी तो हम चाहते हैं कि जैसे हमको सरल करने से समझ आई तो ऐसे ही। अब देखो इसलिए बोला कि देखो ये क्या है, ये गांठ है, देखो अब है, दिख भी रही, समझ में भी आई कि है। अब देखो ये भी है, इसमें और भी एक चीज है, कोई गांठ में कपड़ा भी है। अब गांठ में दो चीज, एक गांठ है एक कपड़ा है। अब अभी स्वामी जी व्याप्य और व्यापक भी समझा रहे थे कि व्याप्य और व्यापक। अब व्यापक क्यों, मान लो इसमें हम बहुत सारी गांठें लगा दें, टाइम लगेगा इसलिए बताए देते हैं, कई लगा दी तो गांठें बहुत हैं, कपड़ा एक है, गांठ व्याप्य है, कपड़ा व्यापक है, गांठ में कपड़ा व्यापक है, पर गांठ है तो व्यापक है। अब मान लो गांठ नहीं है तो कपड़ा है कि व्यापक है, है केवल व्यापक नहीं है। जब तक संसार है और मन है तब तक इसमें आत्मा या ब्रह्म व्यापक है। संसार की दृष्टि जहां गई तो ब्रह्म है, वो व्यापक किसी में नहीं है, वो है। असल में क्या है अभी हमको समझना है, इसलिए हम आपके स्तर से ही चलेंगे कि हाँ ये गांठ है इसमें कपड़ा व्यापक है, ये घड़ा है इसमें मिट्टी है, ये सहज समझ में आएगा। हाँ घड़ा है इसमें मिट्टी है, ये भी जल्दी नहीं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। और घड़ा बनने पर भी मिट्टी अभी भी मिट्टी है, मिट्टी कुछ नहीं हुई अभी भी मिट्टी है, घड़ा बन गया है, घड़े काम का है। अब एक बात और कही, घड़ा व्याप्य है मिट्टी व्यापक है, मिट्टी घड़े में रहती है। कई लोग पूछेंगे कि जब घड़ा नहीं रहेगा तो मिट्टी कहाँ रहेगी, जब दुनिया नहीं रहेगी तो ब्रह्म कहाँ रहेगा, अभी तो दुनिया में रहता है, अभी भगवान संसार में रहता है, जब महाप्रलय हो जाएगी संसार नहीं होगा तब कहाँ रहेगा, वो बेचारे को रहने को जगह ना मिलेगी। तो घड़े में मिट्टी इस अर्थ में नहीं रहती, घड़े में विद्यमान जरूर है पर मिट्टी घड़े में नहीं रहती, बल्कि घड़ा ही मिट्टी में रहता है। वो रहेगा तब तक दिखेगा, वो रहेगा तो उसकी सत्ता भासेगी, यदि वो नहीं रहे तो वही खो जाएगा, मिट्टी का कुछ बिगड़ने वाला। तो जब देह और इंद्रियां खो जाएंगी, मन खो जाएगा, तो कोई आत्मा मर जाएगी या कहीं चली नहीं जाएगी, बल्कि जब मन खो जाएगा तो मन के खोते ही आत्मा रहेगी, आत्मा कहीं आई नहीं कहीं जाती नहीं। अभी भ्रांतियों की बात भी सुन रहे थे, मैं तो सोच रहा था कि जितना इन्होंने बता दिया इसमें मुझे एक वर्ष लगे, जितना इन्होंने कह दिया एक वर्ष लगेगा मुझे, बहुत धीरे धीरे कभी किताब पढ़ता हूँ ना तो एक पेज पढ़ता हूँ, फिर आंख बंद करता हूँ, फिर एक पेज पढ़ता हूँ, एक छोटी सी किताब को पढ़ने में मुझे बरसों लग जाते, बहुत थोड़ा पढ़ता, पर शर्त ऐसी हो जाती है कि जब तक समझ ना आए आगे नहीं जाना, आगे निकल भी जाए तो पीछे फिर लौटे। एक ऐसी भी कथा है कि जब पुराण लिखे जा रहे थे, हाँ वेद पुराण लिखे जा रहे थे, तो ये कौन लिखे,
व्यास जी ने कहा मैं बोलता जाऊंगा, कोई लिख ले, मैं इतना बोलता जाऊंगा, लिखते रहो। कौन लिखेगा? ये कही थे गणेश, इसलिए देखो कि वो लिखते दिखाई देते हैं, गणेश का चित्र कहें, गणेश लिखने वाले थे। व्यास जी ने कहा कि भाई आप लिखते जाना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, बोलता जाऊंगा, तुम लिखते जाओ। उनका ठीक है, लिखना शुरू कर दिया। पर गणेश जी ने भी गणेश जी ने कहा कि मुझे लिखते रहने के लिए मिलता रहना चाहिए। उन्होंने कहा बिना समझ के नहीं लिखना, जब लिखना समझ के लिखना। उन्होंने सोचा कहीं जल्दी लिख ले, मैं देर हो जाए। कहने लगे तुमने बोलना बंद किया कि मैंने लिखना बंद कर देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये शर्त मैंने मान ली कि मैं बंद करूं तो तुम फिर नहीं लिखना, लेकिन दूसरी शर्त है कि बिना समझे नहीं लिखना। तो जब व्यास जी बोलने लगे और गणेश जल्दी जल्दी लिखें, तो वो एक आध इतना कठिन श्लोक बोल दें कि गणेश को समझने में टाइम लग जाए। तो इसी तरह से समझ कर पढ़ें, समझ कर सुने, फिर पूछें, फिर सुने, फिर पूछें। कई बार बहुत सुन लेने पर आदमी उलझ जाता है, इसलिए सुनकर समझें सत्य क्या है जो पैदा नहीं होता। महाराज जी अभी बता रहे थे, महाराज जी तो गुरुमुखी और गुरुओं के ग्रंथों के साथ साथ अन्य उपनिषद वेदांत के ग्रंथों को भी पढ़े हुए हैं, पता चल जाता है, उनको शब्दों से पता चलता है। तो सत्य बोलते हैं जो सदा रहता है। अब उसी को फिर वही बताऊं, इसमें एक चीज है जो पैदा हुई है और खो जाती है, एक चीज है जो उसके खोने पर भी रहती है। तो जो खो जाने पर रहे वो सत्य, जो खो जाए वो असत्य। तो जो जो बनता मिटता है वो न रहने वाला है, उस वो काल के अंदर है। दो तरह के सत्य हैं, एक टेम्परेरी सत्य, दिखाई देने वाले सत्य, मालूम पड़ने वाले सत्य। एक सत्य है जो मालूम नहीं पड़ता, वो निरंजन है, वो अकाल पुरुष है, अकाल पुरुष। ये सब काल के अंदर दिखाई देते हैं, इन पर काल का प्रभाव पड़ता है। कुछ न करो, तुम कमरे में बैठे रहो, काल से नहीं बचोगे। कमरे में बैठे बैठे बच्चा छोटे से बड़ा हो जाएगा, बड़े से और बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा। कहीं बंद रहो, बूढ़े हो जाओगे। कहीं चले जाओ, जहां जाओगे काल नहीं छोड़ेगा। हाँ, एक ही जगह है, अकाल पुरुष में चले जाओ, काल वहां नहीं जाता। ब्रह्म में जाओ, वहां काल नहीं जाता। यहां काल छोड़ता नहीं, वहां छेड़ता नहीं, यहां छोड़ता नहीं, वहां जाता ही नहीं, उसकी गति नहीं है। वो भी अभी बाबा जी बता रहे थे आपको, जहां देश काल वस्तु नहीं है, यहां वस्तु वस्तु है, देह वस्तु है, पशु ये पेड़ पहाड़ वस्तुएं हैं, वहां पर ये कोई वस्तु ये नहीं है। जहां ब्रह्म वस्तु है वहां ये वस्तुएं शून्य है, कुछ नहीं है, स्वप्ना लग जाती, झूठी लगती है। उसके ख्याल में ही आते, उसकी याद आते। फिर यही बात बताऊं, ये देखो गांठ है। अब इस गांठ को एक तो खोल के पूछेंगे तो लोग कहेंगे अब गांठ नहीं है, बच्चे बता देंगे, इसको ज्यादा समझ की जरूरत नहीं है, ये बचपन नहीं रहा, जवानी नहीं रही, पिता नहीं रहे, माँ नहीं रही, पलाना नहीं रहा, बिल्डिंग नहीं रही, अब आ गई, अब बन गई, ये बन गई मिट गई। तो शायद मुझे लगता है शायद गधा घोड़े भी जानते होंगे, इसको कोई गुरु ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहुत समझ की साधारण सी बात है। इस न रहने वाली का नाम, शायद न रहने वाली चीज का नाम सब लोग जानते हैं, और ये नहीं रही ये भी जानते हैं। अब ढूंढना है रह गई वाले का नाम। अब ये रह गई वाली तो यहां तुम्हें दिख गई, तो जल्दी समझ में आ गया कि कपड़ा सत्य है, पर ये तो समझाने के लिए है। ऐसे ही इंद्रियां नहीं रहती, मन नहीं रहता, नींद आती है, नींद नहीं रहती, चली जाती है, जवानी नहीं रहती, दुनिया नहीं रहती, अब रहता कौन है? न रहने वाले को खोजना,
और न रहने वाले को देखना, न रहने वाले को जानना, और न रहने वाली में उसे ढूंढना जो न रहने पर भी रहता है। बस वो कहीं दूर नहीं है, तो ही संग समाई। काहे रे तू कहाँ जाता है जंगल खोजने, परमात्मा को खोजने कहीं बाहर जाता है, यही है वो, तो ही संग समाई। जहाँ तू सोचता है मैं नहीं रहूँगा, मैं लिप्त हो जाऊँगा, मैं लिप्त हो जाता हूँ। कौन लिप्त करता है? दिमाग। कष्टों से तो चलो शरीर के कारण लिप्त होते हैं यद्यपि, पर कई चीजें तो सिर्फ बुद्धि लिप्त कर देती है। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में एक जगह कह दिया है कि यस्य नाहं कृतो भावो, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। आत्मा का प्रयोग नहीं किया, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, जिसकी बुद्धि में कर्तापन नहीं आता, क्योंकि कर्तापन आत्मा में नहीं है, बुद्धि में है कर्तापन। और अलिप्त हूं ये भाव भी, निर्णय भी बुद्धि करेगी। बुद्धि का बड़ा बल है, बुद्धि चाहे कहना। स्वप्नों में ये देह हमारा सुरक्षित था, यहां पड़ा था, हमने स्वप्नों में देह देखा, कौन सा देह था? वो बुद्धिजन्य था, मेरी बुद्धि ने पैदा किया था, मेरी समझ ने। अब उस देह को कोई मारे तो मैं मर जाऊंगा, जबकि यहां ठीक पड़ा हूं। उसके मर जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। स्वप्न वाले देह को कोई गोली मार दे, थोड़ी देर मरा पड़ा रहूंगा, दुखी रहूंगा, रोऊंगा, परेशान रहूंगा। जब कभी थोड़ी देर बाद नींद खुल जाएगी, बिना किसी के उपदेश के खुल जाएगी, तो देखूंगा कि मैं तो पड़ा हूं, बच गए। अब बच गया क्या? उस समय मर गया था? मरा भी नहीं था, मरा देखा था। तो जो हमारी बुद्धि दिखा दे हम वही देख लेते हैं, जो मन महसूस कराता है वही मैं, जो गुरु समझाते हैं। अभी हमारे पास गुरुमत नहीं है, मन मत है। मन जैसा महसूस कराता है वैसा हम जानते हैं, जो गुरु समझाते हैं वैसा अभी हम नहीं जानते। गुरुमत की प्राप्ति हो, गुरु की समझ प्राप्ति हो, और इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुझे समझ देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ, तू मेरी समझ ले। और क्या कर? मैं अर्पित मनोबुद्धि, तू तेरे पास जो मन बुद्धि है वो मुझे दे दे, तू अपनी समझ दे दे, मेरी समझ ले जा। समझ लेके जाना सबसे कठिन काम है। लोग और कुछ लेने आते हैं, बच्चा लेने आते हैं, दुकान चलाने के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं, और गुरु तो देखो समझ देने को आए हैं। गुरुओं का अवतार, गुरुओं का धरती पर आना समझ देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, और जो ज्ञान देता है वो गुरु होता है। और सब कुछ और लोग भी देते हैं, समझ देता है वो गुरु होता है, और समझ लेता है वो सिख होता है। सिख का मतलब ये जो शिष्य, जो उनकी समझ लेके जाता है, समझ लेके जाए सो सिख हो गया, और समझ देने आए वो गुरु हो गया। और समझने के बाद समझ का काम खत्म। बार बार नहीं, कोर्ट कचहरी में फैसला होता है, एक लोअर कोर्ट होती है, फिर एक हाई कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट होता है, फैसला हो गया। अब फैसला हो गया, जज मर जाए, हमारे केस का फैसला हो जाए, हम बरी हो जाएं, तो जज के मर जाने के बाद हमारा फैसला बदल जाएगा। बैंक में हमने रुपया डाला है, बैंक मैनेजर मर जावे तो हमारा रुपया जब्त हो जाए, दूसरा आएगा उसको संभालेगा देगा। तो फैसले के बाद हमको जज की भी जरूरत नहीं रहती, जजमेंट हमको मिल गया। तो गुरु के वाक्यों से जब जजमेंट हो जाता है तो उस शब्द की भी जरूरत खत्म हो जाती है। इसलिए कल अभी हम कह रहे थे तरन तारण में, वाहेगुरु नाम जहाज है, चढ़े तो उतरे पार, जो चढ़ जाएगा वो पार उतरेगा, अब जो चढ़ेगा ही नहीं।
वाहेगुरु नाम जहाज है, चढ़े तो उतरे पार, चढ़ जाएगा तो पार उतरेगा, क्योंकि जहाज तो पार तक जाना ही जाना है, वो जाएगा, चढ़ोगे तो उतर जाओगे, चढ़ोगे नहीं तो इसी पार खड़े रहोगे। इसी तरह से जो गुरु के वाक्य ये नाशवान है, ये अविनाशी है। अविनाशी सुने और देखें कौन नाशवान है, कौन परिवर्तनशील है, कौन विकारी है। चैतन्य की व्यापकता, ये सारी समझ का मूल है, चैतन्य की व्यापकता। हाँ, चैतन्य की अपरिच्छिन्नता का बोध और चैतन्य के निराकारपन का पता। अभी मैं शब्द सुनता रहा था, मुझे आता नहीं, उसके लिए आप सब माफ कर देना शब्द के नाते, क्योंकि मुझे पूरे शब्द याद नहीं रहते। अभी जिस कार में आए, ब्रह्मज्ञानी की महिमा बोली जा रही थी, जैसे महाराज जी ने अभी संत महिमा गाई शब्दों से, ऐसे ही वो ब्रह्मज्ञानी की थी। और अभी अभी शायद आप बोले थे ब्रह्मज्ञानी का एक शब्द सुना भी था, अभी भी बोले तो क्या ब्रह्मज्ञानी के सब आकार, हाँ ब्रह्मज्ञानी का सब आकार, और ब्रह्मज्ञानी स्वयं निरंकार। हाँ देखो ये राज, सब आकार उसके और स्वयं आप निराकार। अब हम क्या आकार तो बनते हैं, निराकार होते ही नहीं, यही गड़बड़ है। जबकि ब्रह्मज्ञानी आकार भी सब उसी का है और वो स्वयं निराकार है, वो काल अवच्छिन्न भी है, वो सब कुछ है, सृष्टि भी है, सृष्टि से रहित भी है। रामायण में सर्व रहित सब उर पूर्वाशी, सब सर्व रहित है और सर्वत्र है, सब न रहे तो रहता है और सब में वही रहता है। यही छोटा सा राज है, समझ जाए। हाँ अभी वो कह रहे थे गल तो कौन बोले लड़ी समझ पाए बड़ी समझ लड़ी। हाँ बस इतनी सी बात, कितनी ये बात, यदि बात बन जाए तो है कुछ और बात, हाँ नहीं तो बातों का बनाना कुछ और ही है। लोग बातें ही बनाते रहते हैं, बात बनती नहीं है। जरा सी बात है, जरा सी बात है, यदि बात बन जाए, तिल की ओढ़ में ताड़, तिल की ओढ़ में पहाड़, ओट में, तिल की ओट में, जरा सी बात में रहस्य छिपा है। इसीलिए गुरु की द्वारा ही ये राज खुलते हैं। और अंत में फिर एक बात मैं दोहरा दूं, गुरु के द्वारा ये राज खुलते हैं और आसान हैं, कठिन नहीं हैं, पर गुरु को सुने, गुरु को सुने। कई बार जो हम चाहते हैं वो सुन लेते हैं हम, कई बार ऐसे व्यवहार की बात कहेंगे हम कुछ, लोग कुछ सुन लेते हैं। असल में लोग वही सुन लेते हैं जो सुनना चाहते हैं। कई बार आपने सुना देखा होगा, बहरा आदमी भी सुन लेता है, और बल्कि बहरा ज़्यादा सुन लेता है। जो कहा जाए वो तो सुनता ही है, जो ना कहा जाए वो भी सुन लेता है। हाँ, और देखो अंधेरे में ज़्यादा दिखता है, जो उजेले में नहीं दिखता वो अंधेरे में दिखता है। इसलिए जब अंधेरा होता है तो इधर से भूत आता है, इधर से कोई चोर दिखता है, कोई इधर से खट्ट से होता है, अंधेरे में ज़्यादा ही कुछ होता है। उजेला हो तो जो होता है वही भर होता है, अंधेरे में तो वो भी होता है जो होता नहीं है। जागृत में तो उतना ही होता है, स्वप्न में तो जाने क्या क्या होता है, उड़ जाते हैं, एक बार हम उड़ गए। जो जिंदगी में नहीं उड़े स्वप्न में उड़ गए। स्वप्न बड़े विलक्षण होते हैं, वो नींद में ही आते हैं। इसलिए ज्यादा स्वप्ने, ज्यादा कल्पनाएं पागल आदमी करता रहता है। पागल जाने क्या क्या देखता है, अंधेरे में क्या क्या दिखता है। जो जो उजेला हो तो केवल रस्सी पड़ी है, उजेला हो तो रस्सी पड़ी है, थोड़ा कम उजेला हो तो सांप है, ज्यादा ही दिखा ना, हाँ जरूरत से ज्यादा दिखता है। लोगों को जरूरत से ज्यादा दिखता है, जरूरत से ज्यादा सुनाई पड़ जाता है, जरूरत से ज्यादा समझ, चतुर बहुत है, जो हमने नहीं कहा वो भी समझते, कहते वो तो ये कह गए, अच्छा काटा,
लोगों को यूं किया, लो हमको ख्याल भी नहीं कि किसी का खंडन किया। सुनने वाले कहते हैं आज उनकी ऐसी बखिया उधेड़ी, उन्होंने यूं कर डाला, सारी की खबर ले ली। अब खबर तो एक ही की हमें देनी है, भगवान की, उसकी खबर आई नहीं, जाने किसकी खबर ले ली हमने। तो कभी कभी मनुष्य का मन अपने ढंग से समझता है, नेत्र भ्रम ही नहीं होता, कान से ही सुनने में ही समझ में भी भ्रम हो जाता है। स्वप्न में समझाई का तो भ्रम है और है क्या? और हम धनी हो गए हैं, बड़े हो गए, हुए कुछ नहीं। अभी सुन रहे थे राजा की बात, बड़े बड़े जो दिशे और तिनको रोग व्यापे चिंता रोग, अब राजा महाराजा भी दुखी, राजा सकल सृष्टि का राजा दुखिया। काहे क्यों दुखिया? कोई मरना राज्य रोक लेगा क्या? तुम कितनी बड़ी गद्दी में बिठा दिए जाओ, मरने का क्या करोगे, बुढ़ापे का क्या करोगे, और लड़के यदि उद्दंड हो तो क्या करोगे? मानी ये दुख कहाँ चले जाएंगे, तुम कुछ भी बन जाओ। तो असल में दुखों की जड़ पुट दे, जड़, हाँ दुखों की जड़ गुरु पुट देते हैं, उखाड़ फेंकते हैं। मेरे गुरु को कभी कभी लोग ज़्यादा तर्क से और निष्ठा से बोलते थे दमंगी से, तो उनका लोगों ने नाम रखा था जड़ उखाड़। हाँ, जड़, अज्ञान नासमझी की जड़ उखाड़ फेंकते, तो गुरु जो है नासमझी उखाड़ कर फेंक देते और अपनी अच्छी समझ दे देते हैं। एक एक संत बड़े मखोलिया थे, मखोलिया, अब शरीर नहीं रहा, मेरे गुरु भाई थे। एक घर में पति पत्नी से बड़ा दुखी रहता था। अब संत होते हैं, संत ने उस पति से कह दिया, कहते कोई नहीं ये ठीक नहीं, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं। हो बड़े ना, कभी कभी ये भी कोई कहे महाराज फिर हमारे घर आना, कहते थे अच्छा आपने कह दिया, हम अपनी घरवाली से सलाह करेंगे। घरवाली, हाँ वो क्या कहती है ऐसे? तो ये जो घरवाली है कई के एक ही है, वो जो संसार में लगाती रहती है, एक बुद्धि अपरा है एक परा है, तो एक संसार का ज्ञान कराती है, स्त्री है पुरुष है धन है दौलत है ये काम धंधा, ये जो समझने का काम देती है, देश विदेश राजनीति, ये एक समझ है जो सबके पास जन्म से आई थी, खाने की पीने की दर्द की भूख की प्यास की, ये सबको समझ है, कुत्ता भी समझता। एक समझ लेकर सब आए हैं, एक समझ बाद में, जब इस समझ से दुख नहीं जाते तो गुरु दूसरी बुद्धि दे देते हैं, उसका नाम दूसरी बुद्धि। उस दूसरी बुद्धि से देते हैं तो इस पहले वाली का महत्व कम हो जाता है। दूसरा ब्याह होने पर आप सबको मालूम है कि पहली वाली की चलती नहीं है, हाँ कौशल्या की नहीं चली, हाँ वो जो दूसरी होती ना जब ब्याह के आता है, वो अच्छी लगती है सुंदर होती है, उसके कहे में पति चलने लगता है, पहली वाली को भूल जाता है। ऐसे ही जब गुरु तुमको दूसरी बुद्धि दे देंगे ना, इससे इतना प्यार होगा कि पहली वाली की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब ये पहली वाली जो बुद्धि है ना, उसी की चल रही है, एक ही तो है, अब किसके करो, इसी के मानना पड़ेगा, थोड़ा अपन जोरू के गुलाम है ही है, तो इसी की मानते हैं, जैसा नचाती है नाचते रहते हैं। और ये कभी अच्छी खबरें नहीं देते, ये बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, ये मर जाएगा, तो ये इतने गरीब हो जाओगे, बुढ़ापा आ जाएगा, क्या करोगे, ये ऐसी चिंताएं देती है बुद्धि कि हम चैन में हो तो चैन में नहीं रहने देती। कई घरवालियां जब दुकान से पति आता है ना, उसने ये कहा सास ने फलाना ने मैं नहीं रहूँगी, तुम वो लो। अब बेचारा पहले तो 8 घंटे दुकान झेल के आया, अब पत्नी को झेले, तो आते आते ऐसी खबर है। ये बुद्धि काम में बिजी थे, जहां आए ये दिमाग में ये हो जाएगा वो होगा, फिर मरने के बाद क्या हो, जाने क्या क्या चिंताएं लेके खड़ी करती है। इस चिंताओं की एक ही दवा है कि अपनी बुद्धि को ताक में धरो, गुरु की समझ लेके चले जाओ। और इसको धी बोलते हैं, धी, हाँ ये गुरु, गुरु से बुद्धि ले जाओ। अधी जिसको दी जाती है वो दामाद होता है, जिसको अपनी बेटी दे दे ना धी, ये गुरुओं की बुद्धि है, तुम ले जाओ, हमारे दामाद ही बन जाओ, कोई बात नहीं है। हाँ तब बुद्धि ले जाओ, प्यारे बन जाओ गुरुओं के, जन्म जन्म का रिश्ता हो जाए, गुरु खुश होएंगे। हाँ
तो इसलिए गुरुओं की समझ तुम्हें सुखी कर देगी, और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कह दिया, जो सौ चंदा हुआ सूरज चढ़े हजार, एते चांदन हो दिया, कितने चमत्कार हो जाए, तुम्हें उड़ना आ जाए, जहाज बन जाओ, चंद्रमा में चले जाओ, बुढ़ापा वहाँ नहीं छोड़ेगा, काल वहाँ पहुँच जाएगा। गुरु वहाँ ले जाते हैं जहाँ काल नहीं पहुँचता, संसार नहीं पहुँचता, दुख नहीं पहुँचते, वहाँ नहीं जाते। वहाँ एक बार जाएं, फिर आएं चले जाया करें। ब्याह होने के बाद लड़की का मायके जाना मना नहीं होता, आती है चली जावे, कोई मना नहीं, फिर आ जावे। पर कुंवारी होना अलग बात है, विवाह हो जाना अलग। आम लोगों की बुद्धि अभी कुंवारी है, इसका कहीं ब्याह नहीं हुआ, आवारा फिरती रहती, कभी इसको कभी उसको कभी उसको। ये आवारा बुद्धि जो भटक रही है, यदि इसको खसम मिल जाए, हाँ हाँ फिर टिक जाए, पति मिल जाए, फिर ये वहाँ टिकेगी, फिर जाएगी। विवाहिता लड़की भी बाजार जाती हैं, पर फिर भटकती नहीं है, अनमैरिड के भटकने का डर है। जब तक पति नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला, कभी इस पर रीझ जाती है, कभी उस पर रीझ जाती है, कभी उस पर रीझ जाती है। एक बार परमात्मा मिल जाए, फिर ये कहीं नहीं रीझेगी, उसके समान कौन है जो और कहीं रीझे। प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि परमात्मा का आश्रय मिल जाए, निरंकार का आश्रय मिल जाए, वह गुरु की शरण मिल जाए, फिर बाजार भी जाएंगे, हाँ दुनिया में जाएंगे, जाना मना नहीं है। कबीर साहब ने एक बार कहा, अंत में कहा, बड़े कबीर साहब के वचन बड़े विचक्षण हैं, वो रूपक में बोले, कोई ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लगी। माने पहले भी लड़की जाती थी, फिर ससुराल, फिर मायके आती थी, फिर कहते अब संदेश भेज दो, फोन कर दो ससुरे में, क्या ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लग गई, यहाँ आग लग गई है, क्या हो गया, पूरा जले, पड़ोसी जल गए, जलो ननंद को गए, ननंद का घर भी जल गया, पड़ोसी जल गए, जो सहेली दोस्त मित्र थे वो भी, गांव को ही आग लग गई, कोई बचा नहीं, मैं धन बची अकेल, मैं अकेले बची हूँ, अब आ रही हूँ, अब लौट के नहीं आऊँगी। तो जिंदगी में जाके आएंगे, जाएंगे आएंगे, पर आखिरी दिन जब प्राणांत होगा, ये छूट जाएगा मेरा मायका, फिर सदा सदा के लिए मैं अपने पिया के घर रहूंगी, फिर यहाँ नहीं आऊंगी। इसको निर्वाण बोलते हैं, इसका नाम मोक्ष है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। इस देह के रहते जाके तो आएंगे, चूंकि इन्होंने यहाँ ही मैं जन्मा, यहीं मैं जिया, यहीं मैं पला। लड़की कहाँ पलती है, मायके में, पढ़ती लिखती मायके में, जन्मती मायके में, जाती वहाँ, फिर यहाँ का मिला भी वहीं ले जाती है। अभी हम वहाँ से यहाँ के लिए, बिना ब्याह के कोई लड़का या कोई हमें कुछ दे तो हम मायके ले आएंगे, और जब ब्याह हो जाएगा तो मायके का भी वहीं ले जाएंगे। अभी हम भगवान से मांगते हैं, यहाँ के लिए कुछ दे दो, यहाँ के लिए धन दे दो, यहाँ के लिए मकान दे दो, यहाँ रहना है, यही मेरा घर है, तुम तो सिर्फ बहाना हो, दे दो बस। भगवान से मांगते हैं, वहाँ रहना नहीं चाहते, उसकी शरण, शरण राम की नहीं लेते, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, उनकी शरण हो, उनसे मांगे नहीं, वहाँ जाए, वो तो वहाँ कोई कमी नहीं है, कमी तो यहाँ है। इसलिए मांगते वो हैं जिनका उनसे रिश्ता नहीं है। इसलिए हम भाग्यशाली हैं, और आपके बीच आने का मौका मिला है। बहुत संतों ने हमें, संतों संतों का एक ही है घर, राम के घर रहने वाले, और अलग भी हैं, एक भी हैं। जब हम अंदर जाके देखते हैं एक है, अब व्यवहार में आते हैं तो पिता पुत्र का नाता हो जाता है, जब इधर आते हैं तो हम भगवान के पुत्र हैं, सब भाई भाई हैं, उधर चले जाते हैं तो पुत्र भी नहीं, सिर्फ परमात्मा है, वहाँ जाकर निरंकार से एक हो जाते हैं, वहाँ कोई अनेकता नहीं रहती। पर ज्ञान के बाद जब यहाँ आते हैं तो थोड़ा मन है, थोड़ा बुद्धि है, थोड़ा अलग है, अलग आश्रम है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये बंधन कारक नहीं है, ये बंधन नहीं करता। बंधन तब करता था जब यहाँ, ये ज़्यादा सत्य था वो झूठ था,
नाटक करने वाले, अभिनय करने वाले अलग अलग सब ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड होके नाटक करते हैं और सब कुछ दिखाते हैं, पर भीतर से उन्हें सब पता रहता है। पर एक बात है, उस नाटक में सबको पता है कि मुझको इसके साथ कैसे बोलना है, इसको मेरे साथ कैसे बोलना है, अभिनेताओं को मालूम है। यहाँ हमको यही नहीं मालूम कि पत्नी को कितने दिन मेरे साथ रहना है, मुझे इसके साथ कितने है। तो नाटक, पर ये अज्ञात नाटक है, अनजाना नाटक है। जाना तो है, अभिनय से कपड़े उतार कर जाना है, पर उसे पता है इसके बाद मुझे चला जाना है, दूसरे की बारी है। पर यहाँ मुझे नहीं पता, जाना तो है पक्का, पर किस दिन जाना है ये किसी को पक्का नहीं होता। जाना तो है, वियोग तो होना है पति पत्नी का, बेटों का, लेकिन किसका कब होना है पता नहीं। इसलिए जगत अज्ञात नाटक है। इसलिए ज्ञात नाटक में तो टाइम पर चले जाएंगे, पता है। ये अज्ञात नाटक है, किस समय जाना हो, किस समय छोड़ना हो, किस दिन बेटा छोड़ दे, किस दिन बेटी छोड़ दे, किस दिन भाई छोड़ दे, किस दिन रिश्तेदार छोड़ दे, कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि छोड़ना तो पक्का है, पर समय बिल्कुल हमें पक्का नहीं है, और उनकी ओर से पक्का होगा। हाँ, इसको खेल अभिनय चलाने वाले ठेकेदार को सब पता है, डायरेक्टर को सब पता है, पर इस एक्टर को पता नहीं है कब जाना है। इसलिए हमें तो 24 घंटे तैयार रहना है, मिलिट्री के आदमी की तरह। मिलिट्री के आदमी थोड़े हथियार और पानी बांधे ही रहते हैं, कब चल पड़ना पड़े। एक बार किसी ने पूछा कि वहाँ किताबें ले चलें, मैंने कहा मिलिट्री के आदमी की तरह क्या पूछना, तैयार रहो, कब लड़ाई छिड़ जाए करना पड़ेगा। अपन तो हमेशा तैयार, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। और जो पिता शादी कर दे, एक बार हो आए लड़की, फिर पिता माता ना रहे तो लड़की को चिंता की बात नहीं, ब्याह हो ही चुका है। पर बिना ब्याह किए मर जाए माता पिता तो बेटी को चिंता होगी, कहाँ शादी। इसी तरह दुनिया की सब चीज़ें जाएं, पर मेरा रिश्ता परमात्मा से हो जाए, इसके बाद जाएं, इसके पहले नहीं। इसलिए गुरुओं ने ये भी कह दिया कि हम सो जाते हैं, हमारी सूरत सोई रहती है, पिया जागे रहते हैं, हमें पिया का पता नहीं है, पर एक दिन हम जागे। और इस सारे संसार में जितने हैं, सुनी सेज किसी की नहीं है, सबके अंदर पिया विद्यमान है, पर कोई कोई ही बुद्धि सुरती जिसका विवाह हुआ है, नहीं तो अभी कुंवारी बैठे। ऐसी सेज जिस सुनी कोई नहीं है, पर बलिहारी उस घट की जागट प्रगट हो, जिसके घट में परमात्मा निरंकार स्पष्ट हो गए, अनुभव में आ गए, बस उन्हीं का बेड़ा पार होता है। गड़े हुए धन से अनजाने अपरिचित, अनजानी जगह गड़े हुए धन से कोई धनी नहीं होता, जाने हुए धन से धनी होता है। इसलिए अनजाने ब्रह्म से कोई मुक्त नहीं होता, जब ब्रह्म का पता चलता है तब हम मुक्त हो जाते हैं। आज अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रानी दीवानी कहने लगी, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। राणा ने विच दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मेरा होगी मगन ऐसी लागी लगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। स्वामी जी महाराज की जय। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट स्थानी, संत हमारा गहना,
हम संतन शोभन आई पूरब लिखा पाई हे मन तेरा पाई राहो संतन शो मेरी लेवा देवी संतन शो ब्योहारा संतन श्यामला काटिया भगत परे भंडारा संतन मुख पूंजी शांपी तो त्रा मन का तो खा त्रमराय अब कहाँ करेगो जो फाट्यो शगलो लेखा मानंद पैशक पाया संतन के प्रसादे को नानक कर श्यो मन मान्या रंगरते बिस्मादे बले शोने हाल शास्त्रिया का।